सो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं नॉन ट्रैफिक ट्रेड बैरियर्स के ऊपर। नॉन ट्रैफिक ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग टैक्सेस की बात नहीं करते, ठीक है? तो हम लोग टैक्सेस की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ इम्पोर्ट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, इस केस के अंदर। तो उसको करने का मेन रीज़न क्या है? देखो, नॉन टैरिफ में हम लोग जो है कुछ कोटा लगा देंगे, कुछ सब्सिडी वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि हमारी टैक्सेस में नहीं आएंगी, हमारी कोटा में आएंगी, हमारी परसेंटेज में आएंगी, क्वांटिटी भी आएगी, तो उनको हम नॉन टैरिफ वेज बोलेंगे। अब हमारे पास नॉन टैरिफ को करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले है हमारा कोटा या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये हमारे अलग अलग तरह की होती है। कोटा क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इसमें हम क्वांटिटी के ऊपर जो है हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इतनी ही क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट की जा सकती है। तो उसके लिए लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी, हमें फिक्स्ड कोटा देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप इससे ज़्यादा जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास इंपोर्ट कोटा जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है, यूनिलेटरल कोटा, टैरिफ कस्टम कोटा, बाइलेटरल कोटा और मिक्सिंग कोटा। यूनिलेटरल कोटा क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि मैक्सिमम कितने हम जो है नंबर ऑफ गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम कोटा के अंदर क्या होता है, इसमें कंट्री अलाउ करता है किसी भी प्रोडक्ट को एक सर्टेन लिमिट तक, ताकि उसके ऊपर वो ड्यूटी ना लगाए या प्रेफरेंशियल या नॉर्मल ड्यूटी ना इम्पोज कर सके, उसको हम कस्टम बोलेंगे, ठीक है। देन बायलेटरल आता है, यहाँ पे क्या है, जितने भी आपके पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं वो एक लिमिट लगा देती है, परमिसिबल लिमिट लगा देती है इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन वो जो भी आपकी जो है इंपोर्ट के ऊपर जो भी लिमिट लगाएगी है ना, उसमें वो दूसरी पार्टी के साथ जिसके ऊपर उसने लिमिट लगाना है तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो नेगोशिएट करके लिमिट को फिक्स करेगी। और मिक्सिंग कोटा में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो होता है वो थैंकफुल होता है टू यूज़ डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स फॉर अ सर्टेन प्रोपोर्शन इन अ फाइनेस्ट गुड। तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर जो है जो भी उसमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें वो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल का यूज़ करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंपोर्ट कोटास या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन और उसकी टाइप। देन आता है कस्टम वैल्यूएशन रूल। कस्टम वैल्यूएशन रूल क्या होता है कि कैसे जो है इंपोर्टेड गुड्स हैं उनको वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है, फॉर द इम्पोजिशन ऑफ ड्यूटी। तो किस वे से हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमें देखो कस्टम वैल्यूएशन रूल है ना, तो इस केस में क्या होगा कि हमने बेसिकली कैसे हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है उस चीज़ की, उसको ध्यान में रखना होगा। देन हमारे पास आता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम जापान के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था एक्सपोर्ट टू द US। हाँ, मतलब जापान ने इसको सबसे पहले किया था ताकि वो एक्सपोर्ट को जो है ना वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, है ना। जापान ने फर्स्ट टाइम किया था ताकि वो एक्सपोर्ट को जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन कर सके, कंट्रोल कर सके, और ये एक नॉन टैरिफ बैरियर है, ठीक है। और ये एक्सपोर्ट जो भी एक्सपोर्ट करेगा कंट्री उसके द्वारा ही लगाया जाएगा, तो एक्सपोर्ट का इसका जो है वो रहेगा वॉलंटरी एक्सपोर्ट। इसलिए इसका नाम भी वॉलंटरी एक्सपोर्ट है, रिस्ट्रेन है कि एक्सपोर्ट को आपने रोकना, एक्सपोर्ट को रिस्ट्रेन करना। देन आता है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो एक मेजर है जिसके अंदर
लोकल मटेरियल को जो है ग्लोबलाइज प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी कोटा जो है वो फिक्स नहीं किया जाता, बट हाँ इसमें कुछ परसेंटेज जो है लोकल प्रोड्यूस मटेरियल उसको यूज़ करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी कर दिया जाता है। देन हमारे पास आता है टेक्निकल सैनिटरी एंड सैनिटरी रेगुलेशन। इसके अंदर क्या है कि कंट्रीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं ना फॉर इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ कंसर्न के साथ भी रिलेटेड हो जाते हैं कि मतलब हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए तो नहीं इशू कर रहा हो, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकली सैनिटरी रेगुलेशन। तो अगर वो कर रहा है तो उसको हम बैन कर देंगे। देन पैकेजिंग लेबलिंग एंड मार्केटिंग रिक्वायरमेंट, इसको इसमें क्या है कंट्रीज जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट पैकेजिंग लेबलिंग या मार्केट रिक्वायरमेंट देती है फॉर इम्पोर्टेबल गुड्स, ठीक है। जैसे जर्मन के जो है वो कहता है कि ऐसी पैकिंग मटेरियल लगाओ जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलर्स में वो बोल रहे हैं कि सच टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर एग्जिस्ट इन कंट्रीज विच हैव लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ऐसे वहाँ पे लगाए जाते हैं जिनके लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो इसमें जो इम्पोर्टर होगा जिसने इम्पोर्ट करना है उसको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज अथॉरिटी कि सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट। देन आता है कस्टम इनवॉइस फॉर्मेलिटी। इसके अंदर क्या होता है आपका कस्टम इनवॉइस फॉर्मेलिटी के अंदर हमें ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि सम कंट्रीज स्पेशली इन लैटिन अमेरिका हैव इन्फोर्स्ड दिस, सम कंट्री इम्पोज रिस्ट्रिक्शन दैट द इम्पोर्ट कार्गो। हाँ इसमें ये है कि इम्पोर्ट कार्गो जो जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उसको तभी हम क्लियर कर पाएंगे अगर हम एक इनवॉइस जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इनवॉइस देनी पड़ेगी तभी जो है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को क्लियर किया जाएगा और फाइनल जो है वो कर दिया जाएगा। देन आता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है कि जिसके थ्रू ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट एजेंसीज परचेज करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको हम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बोलेंगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना प्रोडक्ट्स। एम्बार्गो, एम्बार्गो क्या होता है, ये बेसिकली ना एक बॉन्ड साइन कर दिया जाता है।